है हूँ हो को प्रेजेंट समझो था थे थी को पास्ट, है हूँ हो को प्रेजेंट समझो था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर समझ कर करो टेंस पर विजय प्राप्त, गागेगी को फ्यूचर समझ कर करो टेंस पर विजय प्राप्त। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, टुडे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? आपने अभी शुरुआत में एक गीत सुना होगा कि ताते ती को प्रेजेंट समझो थाते थी को पास्ट, गागे की को फ्यूचर समझकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, मेरे फादर मुझे ये पढ़ाया करते थे और ऐसे ही पढ़ाया करते थे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर सेंटेंसेस को समझने में, तो ये कविता याद कर लेना, आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। ये आप कविता याद कर लेना। इस कविता को याद करने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस को समझने में। बहुत ही इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। हूँ है हूँ हो को प्रेजेंट समझो, था थे थी को पास्ट, गागे घी को फ्यूचर समझकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। जब भी आप कोई सेंटेंस का इंग्लिश अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आप उसमें ये ध्यान देना कि शुरुआत मतलब लास्ट में जो है हूँ हो है कि नहीं। अगर ये है तो प्रेजेंट है, अगर था थे थी है तो पास्ट है, और गागे की है तो फ्यूचर है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में एक ऐसा टेंस है जिसमें अंत में, सेंटेंस के अंत में कभी कभी था थे थी नहीं भी होता है। जैसे मैं गया, उसने खा लिया, वो आया, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम था भी लगाते हैं अगर, तो गलत नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं गया था, मैंने खा लिया था, उसने मुझसे कहा था, तो ये सब वही चीज़ें हो गई। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि लास्ट में था थे थी ज़रूर आता है, वो पास्ट होता है हूँ हो रहता है तो प्रेजेंट रहता है, और गागे गी रहता है तो फ्यूचर रहता है। चलिए हम एक एक सेंटेंस बनाकर समझते जाते हैं इनको। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, लास्ट में क्या है, हूँ है, तो दिस इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जैसा कि आपको अगर टेंस पता होगा तो आप बना लेंगे अच्छी तरह से कि आई गो, सिंपल। सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। मैं गया था आ गया, तो पास्ट, तो पास्ट में आपको हमेशा सेकेंड फॉर्म लिखना है। इसमें V1, इसमें V2। मैं जाऊंगा, ये वर्ब में अगर गा आ गया लास्ट में वर्ब में, तो आप समझ लेना कि दिस इज द फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस में हम किसी भी सेंटेंस का फ्यूचर बनाने के लिए उसमें शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आई शैल गो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आई विल गो भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आप कभी भी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं खाता हूँ, वह खेलता है, वह आता है, वह जाता है, वे लोग खेलते हैं, हैं मीन्स, तो इसको आप सब्जेक्ट प्लस V1 का इस्तेमाल करना। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पास्ट की आप बातें कर रहे हो, पास्ट की बातें, जब भी किसी से आप बात कर रहे हो और पास्ट की बातें जो बीत गई है उसकी बातें आप कर रहे हो, तो हमेशा सब्जेक्ट के साथ V2 का इस्तेमाल करना। जैसे मैं गया था, आई वेंट, उसने मुझसे कहा था, ही टोल्ड मी, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल आप करते जाओ, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल आप करते जाओ, बिल्कुल ही ईजी है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक, मैंने पिया था,
आई ड्रैंक, उसने मुझे देखा या उसने मुझे देखा था तो ही सा मी, वे लोग जाएंगे जाएंगे, गे आ गया मीन्स गा गे गी को फ्यूचर समझो, तो गे आ गया तो दिस इज फ्यूचर, तो दे विल जाएंगे तो दे विल गो, वह आएगा ही विल कम, हम लोग खेलेंगे वी शैल प्ले, वह बाजार जाएगा ही विल गो टू मार्केट, वह खरीदेगा ही विल बाय, उसने खरीदा था ही बाउट, वह खरीदता है आ गया प्रेजेंट टेंस, ही बाइज। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका एक कन्फ्यूज़न, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं इंग्लिश, उनसे जब मैं बोलता हूँ कि तुम अपनी पास्ट की बात बताओ या कल जो तुमने किया था, कहाँ कहाँ गए थे, किससे मिले, क्या बात की है, वो बताओ, तो ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ कि जब भी तुम पास्ट की बात करते हो, पास्ट की बात जो बीत गई, तो उसमें हमेशा वी टू मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करके ही बोलना। जितने भी है, मैं उठा, मैं सुबह 6 बजे उठा, आई वोक अप एट सिक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, मैं नहाया, आई टुक बाथ या आई बाथ्ड, मैंने नाश्ता किया, आई टुक ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं स्कूल गया, आफ्टर दैट आई वेंट टू स्कूल, सब में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते जाना है। उसके बाद मैं स्कूल से वापस आया, आफ्टर दैट आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल टू द हाउस, उसके बाद मैंने खाना खाया, लंच लिया, आफ्टर दैट आई टुक लंच एंड आई टुक रेस्ट फॉर सम टाइम्स, आफ्टर दैट आई वेंट टू ग्राउंड एंड प्लेड क्रिकेट। सब में आप ध्यान देते जाओ, जितने भी सेंटेंस में बोलते जा रहा हूँ पास्ट की बातें, सब में सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अभी प्रेजेंट में मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock, उसके बाद मैं नहाता हूँ, आफ्टर दैट आई टेक बाथ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, आफ्टर दैट आई टेक माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं टीवी देखता हूँ, आफ्टर दैट आई वॉच टीवी प्रोग्राम्स, उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ, आफ्टर दैट आई गो टू स्कूल। इसमें देखो प्रेजेंट, जितने भी प्रेजेंट में मैं बातें कर रहा हूँ, हूँ आ रहा, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तो सारे के सारे वी वन सब्जेक्ट बोलो, फिर उसके बाद वी वन लगा दो। ठीक है, मैं कल मुंबई जाऊँगा, आई विल गो टू मुंबई टुमारो, मैं वहाँ समुद्र का किनारा देखूँगा, आई विल सी देयर बीच, मैं कुछ खरीदूँगा, आई विल बाय समथिंग, मैं लोकल ट्रेन में सफ़र करूँगा, आई विल ट्रेवल इन लोकल ट्रेन। जितना भी मतलब गा गे गी जितना भी आ रहा है उसमें सब्जेक्ट प्लस शैल विल का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद वी वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इस कविता को याद रखना, ये कविता बहुत ही काम की चीज़ है, मैंने भी शुरू में बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया था और शुरू से मैंने याद किया था इसको, और इसके बाद मुझे कन्फ्यूज़न नहीं रहा कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कौन सा होता है, पास्ट का कौन सा होता है, फ्यूचर का कौन सा होता है। बहुत ही इजीली ये कविता आपको समझा देती है कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में क्या फ़र्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आज का इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप ये कविता याद रखेंगे। फिर से आप एक बार कविता को देख लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर थोड़ा भी हमारी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लगती हो, अगर थोड़ी भी फायदा होती हो आपको हमारे क्लास से, हमारे वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।